Welcome on Knowledge Twist Find Bollywood or Big Boss Season 14 Update. राहत इंदौरी साहब की लाश आज रात 9:30 बजे छोटी खजरानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ये जानकारी राहत साहब के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई। साथ ही अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों से राहत साहब की आत्मा की शांति के लिए दुआएं करें। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। मंगलवार शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें कोविड-19 था। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां उन्हें आज 2 बार हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा भी पड़ चुका था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। श्री अरबिंदो हॉस्पिटल ने उनके निधन की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी को अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे। उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी था, साथ ही उन्हें 60% निमोनिया भी था, जिसके चलते वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कोविड-19 के बाद लगातार दिन प्रतिदिन राहत साहब की जो तबीयत थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसको लेकर उन्हें संडे को हॉस्पिटलाइज किया गया और आज मंगलवार को शाम 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है उनको सुपुर्द खाक करने के लिए। दोस्तों, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारे बीच इंदौरी साहब नहीं रहे, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया हो। दोस्तों, इंदौरी साहब का एक बहुत ही पॉपुलर शायर था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो कि टिकटॉक पर काफ़ी फेमस भी था। दोस्तों, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं, जिन्होंने इस वॉइस पर वीडियो भी बनाई थी। दोस्तों, ऐसे में इंदौरी साहब की क्या कुछ शायरी आपने पढ़ रखी है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अब कविता जगत का एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं रहा। दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे 2 चैनल और हैं, BN अपडेट और क्वीन का अड्डा, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री, बिग बॉस और साथ ही सोशल मीडिया से जुड़ी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।